जी हाँ नमस्कार मित्रों आज है 20 दिसंबर यानी सोमवार यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी पाँच महीने और सत्रह दिन ही बाकी है मुद्दा है कि यस्टरडे रविवार और टुडे सोमवार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें क्या थी यूपीएससी मीन एथिक्स पेपर फोर के लिए कुछ सोचने के मुद्दे पंजाब में सेक्रिलेज के खिलाफ मॉब लिंचिंग तमिलनाडु में कहा प्रेयर के दौरान खड़ा रहना जरूरी होगा इसके अलावा किलर रोबोट्स के खिलाफ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन अग्रीमेंट डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट जिसको पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया तो बम से उड़ाने की कोशिश करे एंड अलग अलग दूसरी चीज़ें जिसमें हम कुछ एथिकल एंगल थोड़ा बहुत सोचें एक बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि लिंचिंग फॉर सेक्रिलेज अगेंस्ट सिख रिलीजन वैसा कि सिख धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हों उन सबको मतलब भेद भी की जाए ऐसे मामलों में संगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को पहले भीड़ द्वारा मार दिया था फिर कल परसों में ये हुआ कि गोल्डन टेम्पल में कोई आदमी था जो महाराजा रंजीत सिंह की तलवार को छूने की कोशिश कर रहा था उसे मार दिया भीड़ ने और फिर कपूरथला में भी ऐसे एक मामले में मार दिया तो तीन बड़े मामले आ, सामने आए तो इसमें पॉइंट टू रिफ्लेक्ट क्या है कि जो बेअदबी कर रहा है धर्म के खिलाफ तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार करवाना चाहिए और कोर्ट से उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन भीड़ कानून अपने हाथ में ले तो ये सही क्यों नहीं है क्योंकि अंत में ये भी तो हो सकता है कि ऐसा माहौल बनते रहे और कुछ लोगों को अपने पर्सनल वेंडेटा निजी दुश्मनी लिगान ली हो तो अपने पड़ोसी या किसी बिजनेस राइवल के खिलाफ भी कुछ ऐसा व्हाट्सएप में चला दे कि इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया और भीड़ उसको भी मार दे तो वो सब गलत होगा इसलिए मॉब लिंचिंग इज़ नॉट जस्टिफाइड लेकिन पंजाब में क्योंकि चुनाव करीब आ रहे तो राजनीतिक पक्ष ये सब मॉब लिंचिंग के खिलाफ खुल के कुछ बोल नहीं रहे वो नाप तोल कर ऐसा बोलते हैं कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं फिर दूसरा एथिक्स का मामला उसमें कुल मिलाकर बात यह है कि डी का एक साइंटिस्ट था उसे अपने पड़ोसी के साथ कुछ लड़ाई चल रही थी कि टेरेस का यूज़ करना है या ऐसे जो छोटे मोटे पड़ोसियों के झगड़े चलते हैं लेकिन ये कई सालों तक मामला चल रहा था दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में कोर्ट में अलग अलग किस्म की सही जूठी शिकायतें की थी और अल्टीमेटली ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा क्रोध में या परेशानी में आ गया और उसने कोर्ट में ही बॉम्ब रखा था कि ये जो आएगा सामने वाला नेबर कोर्ट को केस में तो उसको बॉम्ब से उड़ा दूँ खैर पुलिस ने इसे पकड़ लिया ये साइंटिस्ट को और उसके बाद ये साइंटिस्ट ने जेल में हैंड वॉश सैनिटाइजर पी के खुदकुशी की भी कोशिश की लेकिन वो बच गया तो इस सब में हमको क्या सोचना है सोचना है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड योर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस कई बार ये होता है कि अपने पेशेंट्स की धैर्य की परीक्षा ली जाए कुछ ऐसे बदमाश पड़ोसी होते हैं कि वो पूरा दिन उसका कुत्ता भोंकते रहे बच्चे शोरगुल करते रहे कुछ वो फेंकता रहे चीजें कचरा वगैरह इट विल टेस्ट अवर पेशेंस लेकिन जो साइंटिस्ट है वो भी डी का साइंटिस्ट तो उसने रैशनल थाट प्रोसेस तर्कसंगत विचार प्रक्रिया के हिसाब से धैर्य से निर्णय लेने चाहिए साइंटिफिक आउटलुक यहाँ पर भी अपनाना चाहिए क्रोध और हताशा में एंगर एंड डिप्रेशन या प्लस्टेशन में डिसीजन नहीं लेने मैं तो इसको बॉम्ब से उड़ा दूंगा क्योंकि जब आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो अंत में आपका ही नुकसान होता है जैसा ये साइंटिस्ट का हुआ कि पुलिस ने पकड़ लिया और अब खुद सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं ये कस्टडी में साथ ही साथ ये भी हमको गौर करना चाहिए कि कोर्ट और पुलिस में ऐसे जो सब दीवानी मामले चलते हैं सिविल मैटर्स रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन नेबर्स ये सब कचरा फेंका नहीं फेंका कौन ये कॉमन वॉल या टेरेस इस्तेमाल करेगा तो उन सबका जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए ये जो केस था वो ऐसा है, दस साल से चल रहा था तो कभी कभी कोई व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए एंग्री हो जाए और ऐसे आत्यंतिक कदम उठाए वो नहीं होना चाहिए फिर साइंटिस्ट का ही नाम लिया दे देखो एक और चीज चल रही है किलर रोबोट्स असल में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट इनह्यूमेन वेपन्स कन्वेंशन वो ऐसा कहता है इनह्यूमेन मतलब अमानवीय प्रकार के हथियार कि सपोज ऐसा कुछ बनाया जाए कि सोल्जर चल रहा है या सिविलियन चल रहा है और उसके पैर में वो लग जाए और वो लंगड़ा हो जाए या फिर ऐसी कुछ बूबी ट्रैप्स इन सिंडियरी एक्सप्लोजिव फेंका जाए एरिया पर और ऐसी आग लग जाए कि सब लोग मर जाए सोल्जर कौन सिविलियन कौन फ़र्क ही ना करे वो वेपन तो इन सब के खिलाफ ऐसा इनह्यूमेन वेपन कन्वेंशन तो है अब उसमें नई बात ये चल रही है कि आजकल ये अमेरिका रशिया जैसे देश किलर रोबोट्स बना रहे हैं ऐसे ऑटोमेटेड ड्रोन्स जो खुद ही सेल्फ टारगेट आइडेंटिफाई करके खुद ही उसको मार दे बीच में कुछ ऐसा मामला तो आया था कि इसराइल ने ऐसी कोई ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल करके किसी जनरल को मरवा दिया दुश्मन देश में ईरान में तो ये सब के खिलाफ एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट बने ऐसी कुछ मांग हो रही है लेकिन इसमें अमेरिका और रशिया को मजा नहीं आ रहा है क्योंकि उनको तो ऐसे किलर रोबोट बनाने हैं और अपना ज्यादा दमखम दिखाना है लेकिन ये अनएथिकल है क्योंकि कौन जिए और कौन मरे ये फैसला इंसान के हाथ में होना चाहिए मशीन के हाथ में नहीं आप मशीन को कमांड दे दो कि ये एरिया में अगर कोई दिखता है तो उसको गोली मार दो दैट इज नॉट जस्टिफाइड फिर एक कोट भी आज दिया इंडियन एक्सप्रेस में वॉल्टेर जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे उसने कुछ ऐसा कहा ऑल मर्डरर्स आर पनिश्ड अनलेस दे किल इन लार्ज नंबर्स टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट सभी हथियारों को सजा तो मिलती है लेकिन कोई ऐसा बड़ा हथियारा हो कि जो लाखों करोड़ों लोगों को मार दे और युगल बजा के मार दे मतलब लड़ाई के नाम पर युद्ध के नाम पर जो देश के नेता करवाते हैं तो फिर उसे मर्डर नहीं माना जाता एक कुछ ऐसा और भी था स्टालिन या किसी का कोटेशन की एक आदमी की मौत को डेथ कहते हैं हजारों की मौत हो जाए तो स्टैटिस्टिक कहते हैं वगैरह फिर जुडिशियल एथिक्स कई बार ये कहा जाता है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिससे जज सिलेक्ट होते हैं वो पूरी प्रक्रिया बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किसके नाम आए थे उनको क्यों सिलेक्ट किया जिसको रिजेक्ट किया उसको क्यों रिजेक्ट किया ये सब पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता जैसा कि यूपीएससी एग्जाम में होता है कि आपने एग्जाम दिया आपका इतना मार्क है और कट ऑफ लिस्ट में इतना था तो आप नहीं सिलेक्ट हुए ऐसा कुछ क्यों नहीं है इस पर फॉर्मर जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में ये कहा जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता उपयोगी नहीं है वैसे मान लीजिए ये जजिस सिलेक्शन में कोई इंटरव्यू हुआ हो और जो इंटरव्यू पैनल है उसने किसी वो सीनियर लॉयर को या वो डिस्ट्रिक्ट जज को इंटरव्यू लेने के बाद पाया हो कि नहीं इसमें वो टैलेंट नहीं है वो पर्सनालिटी नहीं है वो आउटलुक और नॉलेज नहीं है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज में होना चाहिए ऐसा बोल के उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट किया हो या कुछ लेकिन फिर अगर ऐसा सब हम अगर पब्लिक डोमेन में रखेंगे वाई दिस पर्सन वॉज़ रिजेक्टेड तो फालतू में जो असफल हुआ है उसकी भी बदनामी होती रहे कि उसके सब यार दोस्त और बिजनेस राइवल मजाक उड़ाए कि देखो इसको तो रिजेक्ट कर दिया दे और देखो कैसा फाइल में लिखा इसकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है इनफैक्ट सिमिलर थिंग हैपन्स ये जो यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू लेके वीडियो डाले जाते हैं पेज व्यूज़ के लिए ठीक मैंने भी कुछ डाले लेकिन वो असल में कोई बहादुरी का काम नहीं है किसी से गलती हो रही है उसका वीडियो खींच के देखो इसकी ये गलती हो रही है राइट सो इट इज़ नॉट हेल्पिंग लेकिन खैर मुझे तो वीडियो अपलोड करने पड़े क्योंकि पेज यूज़ लेने हैं और दूसरा कि दूसरे लोगों को सिखाना है कि आप ऐसे सब इंटरव्यू में गलती ना करना फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें वो जो होता है रिफॉर्म ऑफ द प्रिजनर्स रिफॉर्मिंग द प्रिजनर्स कैदी सुधार के लिए क्या हो तो सूरत में एक पचास हेक्टर के बंजर जमीन में मॉडल ओपन जेल बड़ा सा कुछ जैसे वो गांधी आश्रम था ऐसा शायद कुछ बनाएंगे पचास हेक्टर में और वहाँ जो कैदी होंगे उनको सब सिखाया जाएगा डायमंड कटिंग पॉलिशिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग श्रिम पॉड एक्टिविटी नेचुरल फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ताकि वो सब सीखे और वापस जब आए तो आ, समाज में वापस गुल मिल सके और पचास हेक्टर के बैरन लैंड में बंजर जमीन में ये सब हो आप सोचिए श्रीम पॉन मतलब वो झींगा मछली का पालन नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री तो उससे एक प्रकार से बैरन लैंड का भी अच्छा इस्तेमाल हो सके फिर पॉलिटी सेक्यूलरिज्म उसमें एक चीज है कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि उनका एक कुछ भक्ति गीत प्रार्थना गीत है तमिल थाई वजाथू कि जो तमिल माता की प्रशंसा में गाया जाता है तो उसे राज्य सरकार ने अपना स्टेट सॉन्ग घोषित किया है और सीएम ने सबको डायरेक्शन दिया है कि अब से जब भी ये गीत प्रार्थना गीत गाया जाए तो सब ने खड़ा हो जाना है लेकिन इसमें कोर्ट ने एक बार ऐसा कहा था कि ये तो प्रार्थना गीत है ये जनगणमन नहीं है तो प्रार्थना गीत में खड़ा होना जरूरी नहीं है ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है जमीन पर और वो मन में उसका मंथन कर रहा है तो वो भी प्रार्थना का सम्मान ही है खड़ा होकर सम्मान करना जरूरी नहीं है खैर अब वो तो आगे क्या आता है हम देखेंगे फिर मामले इकोनॉमी और इधर उधर के लेकिन कोई बहुत जोरदार चीज़ें यस्टरडे या टुडे न्यूज़पेपर में मुझे दिखी नहीं एक बड़ा सा कॉलम था एमएसपी सिस्टम को रिफॉर्म करे वो कुछ नई बातें कर रहा है लेकिन मित्रों नया इकोनॉमिक सर्वे आने दो उसमें कुछ और नई बात करने दो वरना एमएसपी में क्या रिफॉर्म है एग्रीकल्चर में क्या करना है वी हैव सफिशियंट कंटेंट फॉर 250 फिफ्टी वर्ल्ड का क्वेश्चन भी पूछ ले वो 1500 शब्द में निबंध भी पूछ ले है अपने पास इनफ मटेरियल वो पुराने सब विन ट्वेंटी सीरीज ट्वेंटी वन सीरीज ये सब एक्सेल फाइल सब देख लो सफिशेंट वो पूरा दिन वो रोना धोना करने का एक हद से ज़्यादा फायदा नहीं वी हैव सफिशेंट कंटेंट उसी तरह एजुकेशन और ई e लर्निंग तेलंगाना में जो कुल परीक्षा हुई तो क्लास इलेवन की परीक्षा में मोर देन फिफ्टी स्टूडेंट फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स फेल तो इसमें क्या कारण है वो स्टेट गवर्नमेंट रिव्यू करे कुल मिलाकर पता ये चलता है कि कुछ स्टूडेंट तो मतलब बाबूशोना टाइप के थे उनको ये लगता था कि ये तो कोरोना चल रहा है तो इजी पेपर सेट होगा या फिर कि हम तो बस ऐसे ही एग्जाम देने जाएंगे तो हमको पास ही कर देंगे ना दया में लेकिन बोर्ड ने जरा स्टिकली पेपर चेक किया दूसरा कारण ये है कि जो फेल हुए वो कई सारे बच्चे गांव में रहते थे जहां इंटरनेट की और डिजिटल डिवाइस की अच्छी सुविधा नहीं थी अब छोटे मोबाइल पर पूरा देना पड़े कितना, पड़े कितना पड़े कितना याद रहे फोकस नहीं हो पाता ये एक प्रॉब्लम रहा फिर कुछ ऐसे गरीब बच्चे थे कि वो ऐसे घर में रहते हों कि माँ बाप भाई बहन और चाचा और चाची और सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहो आप पढ़ने भी बैठो अपना कोई फोकस ही नहीं है एग्जाम में और ये ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर टीचर्स ने ठीक से कुछ पढ़ाया नहीं और डाउट क्लियरेंस के भी कुछ हुए नहीं वगैरह वगैरह तो ये क्या है दीज आर ऑल द चैलेंजेस अगेंस्ट ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग में देखिए अच्छी भी बात है कि आपको एक चीज़ नहीं समझ में आई तो दस बार उसका वीडियो रिपीट देख सकते हो या सामने अकाउंटेबिलिटी भी है ऑफलाइन कोचिंग में एक ज़माने में ये होता था कि कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करे कुछ ठीक से पढ़ाए नहीं इधर उधर की बोल बच्चन कर लेकिन ऑनलाइन में तो रिकॉर्ड होता है तो टीचर को भी थोड़ी शर्म आती है कि मुझे पढ़ाना होगा वरना कोई वायरल क्लिप नहीं बना दे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ बट सामने ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं तो अल्टीमेटली वाट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड में ये हो सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल इसके जो बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन टीचिंग इज रिक्वायर्ड और साथ ही साथ कि वो स्कूल में जाएं तो वहाँ पर दूसरे धर्म दूसरे जाति के लोगों से भी वो मिले तो वो सब सौहार्द बनता है ये सब सुबह प्रार्थना कराई जाए राष्ट्रभक्ति वो एन स्पोर्ट्स तो वो सब टीम स्पिरिट डेवलप होता है जो ऑनलाइन लर्निंग में हो नहीं सकता लास्टली ऑनलाइन लर्निंग किसके लिए उपयोगी है हाई लेवल की जो मतलब कॉलेज ग्रेजुएट या उससे ऊपर की जो अपना और ज़्यादा स्किल डेवलप करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और उसमें भी ऐसे लोग जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन है इट बेनिफिट्स देम खैर और एक मुद्दा इकोनॉमी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसमें मिड डे मील स्कीम मध्याहन भोजन वो जो गरीब बच्चों को स्कूल में खाना खिलाया जाए हालांकि उसका भी नाम बदल के पी पोषण ऐसा कर दिया है कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी चल रही है कि इसमें जो रसोइये होते हैं कुक्स उनको दो हजार प्रति महीने की सैलरी मिलती है जो कि असल में मिनिमम वेजिस न्यूनतम वेतन कानून के भी उल्लंघन है लेकिन सरकार का ये कहना है ये तो ऑनररी वर्कर है ऑनररी मतलब जो बिना वेतन की अपेक्षा के स्वयं सेवा से आ जाए ऐसा वॉलेंटरी टाइप का पर्सन तो उनको तो दो हजार दे रहे हैं वो भी ज्यादा है और वगैरह ये तो इस पर मिनिमम वेज नहीं लागू होगा एंड सो खैर इसमें भी अगर हम एथिक्स का एंगल सोचे तो कम्पैशन टूवर्ड्स अब आप उसको दो हजार दे रहे हैं और वो आ रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है उसे और कोई काम नहीं मिल रहा लेकिन इसमें कोई सरकार की बहादुरी नहीं है कि देखो हम तो दो हजार में काम करवा रहे फिर विमेन इश्यूज और उसमें राजस्थान राज्य सरकार लेकर आई है उड़ान स्कीम जिसमें सभी लड़कियों और महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिंस दिए जाएंगे फिर बिजनेस जनरल नॉलेज के नाम पर ये एमेजॉन फ्यूचर डील और वो रखो नहीं रखो वो हम पढ़ने नहीं बैठे मैंने पहले भी बताया था इतना बिजनेस जनरल नॉलेज कुछ खास काम का नहीं फिर एक और भी रोना दो नाम पहले ही कर चुके हैं आई की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जेवा उसने कुछ साल पहले कांड किया था कि ये जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उसमें चीन का रैंकिंग अच्छा दिखा वैसा उसने सब उस स्टाफ मेंबर पर प्रेशर डलवाया था तब तो आई बोर्ड जिसमें सभी देश के सब फाइनेंस मिनिस्टर या कोई होंगे बैठे उन्होंने ये सोचा कि आई का जितना डेटा उसका वापस रिव्यू करो कि इसने इधर भी सब ऐसा रायता तो नहीं फैलाया था लेकिन ये रोना दोना हम कर चुके तो वापस देखने कोई फायदा नहीं फिर अंडर सी केबल्स और वो साइंस ठीक है थोड़ा बहुत देख लेना फिर हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एन भारत के अजीत डोवाल और ये सब सेंट्रल एशियन कंट्री के वो सब दिल्ली में बैठे थे तालिबान वाला ये अफ़गानिस्तान है उसको वापस रीडेवलप करने के लिए क्या करें उसका कुछ डेली डिक्लरेशन करा था फिर वापस से अभी इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशन के फॉरेन मिनिस्टर की भी ऐसी मीटिंग हो रही है और वही सब रोना धोना वापस जा रही है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे वी हैव इनअप पॉइंट्स अब ये पूछे वो पूछे सब ये की छाप देना है जो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि फिलियम्स को अभी फाइव मंथ्स इन सेवनटीन डेज आर लेफ्ट फिर इंडिया की मिसाइल कैपेसिटी अब ऐसी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज बनाई है लेकिन वो कुछ खास नया जानने लायक नहीं जो इंपॉर्टेंट वाले मिसाइल थे हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सेल फाइल में देख लो फिर पेज सिक्सटीन पर बुक्स एंड पर्सन इन न्यूज़ में नॉन आई एग्जाम में वो सब देख लेना कौन कौन सी किताब स्मृति ईरानी की नई किताब आई है कुछ लाल सलाम फिर ये अभिजीत बैनर्जी जिसको नॉबेल इन इकोनॉमिक्स मिला था उन्होंने कुकिंग रसोई के बारे में एक किताब बनाई है फिर स्पोर्ट्स में कुछ इधर उधर के अवार्ड वगैरह वो देख लेना इसके अलावा आज रात कार्यक्रम क्या है मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स ट्वेंटी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रात आठ बजे होगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड उसका फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अनलॉक कोड यूज़ करें मृणाल डॉट ओ आर जी सो दिस वॉज द न्यूज़ पेपर फॉर यस्टरडे एंड टूडे शी यू नेक्स्ट टाइम